बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है सबके मेरे भाई लोग, सब मजे में, सब बढ़िया। आज देखो तुम्हारा ड्रीम बॉय फिर से वापस आ चुका है और मचाने वाला है भाई। आज हम लोग साथ में मिलके मजे करेंगे बहुत ज्यादा। तुम लोग ऐसा मत सोचा करो यार कि ड्रीम बॉय तू कहाँ पे रहता है यार, तू इतने टाइम बाद वीडियोस क्यों डालता है। भाई मैं चाहता तो हूँ बहुत सारी वीडियोस डालना, बट सीरियसली मैं आउट ऑफ टॉपिक हूँ, मेरे पास टॉपिक्स ही नहीं होते हैं भाई। तो इस चीज में मैं चाहता हूँ तुम सब लोग मेरी मदद करो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बढ़िया आइडियाज, टॉपिक्स प्लीज सजेस्ट करो मेरे भाई लोग। इधर मेरे को आज तुम लोगों की जरूरत है और मेरे को पता है यार, जब मेरे को तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, तुम लोग मेरे साथ ना हो ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई? We are best friends ever, bro. We? Who's we? There is no we. Come on, तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर और मैं लाया हूँ बहुत सारे और नए नए क्रेजी इल्यूजन्स। तो आज हम लोग एक्सपोज कर देंगे, बम ब्लास्ट सब कुछ, मजे सब कुछ कर देंगे भाई, पूरे इल्यूजन की बैंड बजा देंगे। सो लेट्स गो इनटू गेम बेबी। ऑलराइट, क्या एनर्जेटिक इंट्रो देता हूँ मैं, नाइस ट्रिम्बर, अप्रिशिएट दैट। लेट्स गो बॉयज, अभी मैं अपने गेम के अंदर आ चुका हूँ और आज मैंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट बिकॉज टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। सो हम लोग सेलिब्रेट क्यों ना करें, चाहे लेट ही करें पर हम तो करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन भी है, तो फटाफट भाई शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला इल्यूजन है वो है राइजिंग वॉल। ओके लेट्स गो, व्हाट इज दिस, पढ़ लेते हैं। लुक एंड वॉक फॉरवर्ड, ऑलराइट, प्रेस F1, ठीक है, ओके, लुक फॉर अ डिफरेंट एंगल, ओके, ये तो हम बाद में करने वाले हैं, रिटर्न नहीं, पीछे तो नहीं जाना, चलो F1 दबा दिया और चलो भाई नीचे। वो, वेट, what the heck bro? मैं नीचे जा रहा हूँ और वॉल ऊपर आ रही है क्या? वेट, ये तो बिना रेडस्टोन के पॉसिबल नहीं है, ये पक्का कोई इल्यूजन है। ओह गॉड, तुम लोग को समझ आया? Like seriously तुम लोग को समझ आया? Damn bro, वो कितना ज्यादा क्रेजी था ना, मैं तो जाके दोबारा देखने वाला हूँ। Let's go, बाप रे बाप, वो देखो एक्चुअली वॉल ऊपर आती है। शेट ब्रो, ओके मैं इसको दूसरे एंगल से देखने वाला हूँ। F1 दबाओ और निकलो यहाँ से। क्या, एक सेकेंड, मतलब वो वॉल उतनी ही है। एक सेकेंड यार, मेरे को पास जाने दो जरा यार, मेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा। What the heck bro? तुम लोग समझे, मतलब वॉल उतनी ही है, नीचे की लेयर जो है अगर हम ऊपर से नीचे आते तो लेयर हमें ऊपर आती हुई दिखती हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि सिर्फ वॉल ऊपर आ रही है। ओ शेट, ये देखो समझे, ये देखो ओ माय गॉड ब्रो, इस इल्यूजन के लिए तो 1 लाइक 2 भाई, ये तो बहुत क्रेजी इल्यूजन है भाई। चलो भाई नेक्स्ट इल्यूजन पे चलते हैं। सोचो नेक्स्ट इल्यूजन है वो है वर्ड चेंज। ओके ऑलराइट, वर्ड चेंज इधर लिखा है सम, ऑलराइट, सम SOME, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो थिंग पे जाने वाले हैं। ओके विल अपीयर एज सम बेस्ड ऑन व्यू एंगल, ओके अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो ओके थिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये दूसरे एंगल से थिंग दिखता है, मतलब वो एक एंगल से सम है, एक एंगल से थिंग है। SOME, 4 वर्ड, THING, 5 वर्ड। ओ माई गॉड, ये कैसे पॉसिबल किया इन लोगों ने, ये देखो सम में है 4 वर्ड और थिंग में है 5 वर्ड, लेकिन ये एक ही स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखो थिंग, नीचे से देखो सम। भाई ये तो मैं अपने एग्जाम के अंदर कर सकता हूँ, ट्रू फॉल्स का नहीं होता है, तो एक जगह से ट्रू लगेगा, दूसरी जगह से फॉल्स लगेगा, टीचर को देने पड़ेगा नंबर। भाई ये ट्रिक कर सकता हूं, बट एक बार मैं पास से आगे देखना चाहता हूं। This is के, oh my God bro, ये देखो तुम लोग, oh shit, वाह भाई वाह, भाई आर्किटेक्टर हो तो भाई ऐसा, भाई मतलब क्रेजी लेवल ऑफ स्किल मैन, क्रेजी लेवल। ये इल्यूजन मेरी तरफ से तो प्रूव्ड है भाई, क्रेजी इल्यूजन ब्रो। लेट्स गो, चलते हैं अब अगले तीसरे इल्यूजन पे, एनिमेशन। ऑलराइट, What is this? ये क्या है? ये तो ऐसा मतलब क्या एंडरमैन लग रहा है ये तो यार, मेरे को सच बोलूं तो क्या है ये? वेट मेरे को थोड़ी सी यार, ये आगे कुत्ते बड़े परेशान करते हैं भाई मेरे को, मैं क्या बोलूं बस तुम लोगों को, भैंस की लड़ना है तो बाहर जाके लड़, कमाल के कुत्ते हैं भाई, मतलब परेशान क्या, बैंड बजा देते हैं मेरी रिकॉर्डिंग की। द स्लाइडिंग लेयर अबव कवर एंड अनकवर द इमेज बिलो, ऑल राइट, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट यू विल सी द इमेज बिलो एनिमेट। है भाई, बट मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा है समझ, मेरे को एक्चुअली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये कोई इल्यूजन है? रिटर्न वापस, एक सेकंड यहाँ पे एक और है, प्रेस टू वॉच अ वीडियो ऑफ द इल्यूजन मूविंग, ऑल राइट ब्रो, ओके क्लिक हियर टू सी द इल्यूजन मूवमेंट, ओके यस, देखते हैं कौन सी वीडियो पे रीडायरेक्ट कर रहा है हमें। ओह इन्होंने यूट्यूब खोल दिया भाई, यूट्यूब खोल दिया, चलो देखते हैं एनिमेशन। ऑल राइट, ये वो सेम इल्यूजन है। मैं अब समझा, बॉयज एंड गर्ल्स ये कुछ नहीं है, ये लिटरली ऊपर की लेयर को अगर हम स्लाइड वगैरह करेंगे ना तो वो नीचे का जो है वो प्ले होता हुआ दिखेगा। एक नोटबुक नहीं आती थी ऐसे पहले जो बस स्टैंड पे बिका करती थी, सीरियसली उसमें ऐसे वो एक जाली होती थी, वो जाली ऊपर नीचे करो, अंदर से जो जितना भी एनिमेटेड माल है वो एनिमेशन में दिखता है। पर ये इस गेम के अंदर कैसे मूव करूं भाई मैं, क्योंकि इसके अंदर ना कोई ऑप्शन है मूव करने का ना कुछ है, क्या नल्ले भाई बंदे, मतलब मैं क्या बोलूं, इतना अच्छा एनिमेशन का सब कुछ, रेडस्टोन वगैरह लगा देते तो कुछ बना देते, कुछ दिखा देता
मैं इन लोगों को भी, बट कोई बात नहीं, चलते हम चेंजिंग टेंट पे। ऑल राइट, सो इस इल्यूजन में ऐसा क्या है? वेट, पहले मेरे को ना यार, एक तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा भाई हर चीज के लिए क्या है। द ब्लू लुक्स डिफरेंट बट इट इज द सेम, गो चेक। ऑल राइट, मतलब द ब्लू मतलब वो वाला जो ब्लू है। मैं समझा, मे बी तुम शायद तुम लोग ना समझे हो, बट एक बात सोचो, वो वाला जो ब्लू है वो थोड़ा डार्क ब्लू लग रहा है और ये वाला स्काई ब्लू लग रहा है। लेकिन लेकिन अगर हम नीचे जाएं और देखें, ये देखो दोनों ब्लू सेम है, ये ब्लू भी सेम है, ये ब्लू भी सेम है, और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे कौन घूम रहा है, ये देखो। अरे बेटे, अरे बेटे, यहाँ पे टैक्स दिया है क्या तूने जो तू यहाँ घूम रहा है? निकल निकल, अबे इधर आना, किधर भाग रहा है, किधर भागेगा, मर बेटे। तो तुम लोग अभी समझे ना, दिस इज इल्यूजन ब्रो, दिस इज अ क्रेजी इल्यूजन। मैं समझ गया भाई, ये हमारी आंखों का और ब्रेन का धोखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे पिंक पर्पल लगाया है और यहाँ पे ऑरेंज लगाया है, इस वजह से भाई। डैम ब्रो, हमारा ब्रेन कितना ज्यादा फंक्शनल है लेकिन यहाँ पे बेचारा लैग कर जाता है। मतलब ब्रेन फ्रॉम चाइना, सीरियसली, जस्ट इमेजिन, चाइना वाले लोग ब्रेन डेवलप करते हैं और वो सारी ह्यूमैनिटी में सबको, ह्यूमन लोगों में फिट करके देते हैं, और हम लोगों को लगता हो कि हमें तो भगवान ने ब्रेन दिया है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, बट हाँ मैं ही शायद वियर्ड हूं थोड़ा सा। स्ट्रेच चेकर बोर्ड, चलो भाई। ऑल राइट, अरे तो मूव करने के बाद भी ऐसा ही लगता है। शेट शेट, ये देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा है, ये देखो, ये ऐसे उठा हुआ है ऐसे, ये देखो, ये दिस इज द स्ट्रक्चर, ये देखो मेरे हाथ देख रहे हो, ऐसा उठा हुआ है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उठा हुआ नहीं है, ये तो प्रॉपरली भाई एक प्लेन है, ये देखो, दिस इज अ प्लेन, सीरियसली प्लेन, कम ऑन ब्रो। यार ये भी अच्छा था, नो डाउट दिस वन इज गुड। यार ऐसे सारे इल्यूजन में नहीं, यार मेरे को अपने दोस्तों को लाना चाहिए था, उन्हें हैरान करना चाहिए था ऐसे सारे इल्यूजन, या फिर मैं बना सकता हूँ ऐसे इल्यूजन अपने वर्ल्ड के अंदर और सबको ला सकता हूँ। क्रेजी आइडिया मैन। चलो गाइस, हमने 5 इल्यूजन देख लिए हैं, 5 और हैं और उसके बाद भी 5 और हैं, मतलब बाप रे बाप, बहुत सारे इल्यूजन है मेरे भाई। इन्वर्टेड क्यूब, लेट्स गो फॉर इन्वर्टेड क्यूब। ठीक है, इस क्यूब में ऐसा क्या है? रूबिक्स क्यूब, बूम बूम, या फिर अच्छा ये लग ऐसा रहा है, पर ये जरा एक बार पास। होली शेट ब्रो, मेरे को लगा क्या और ये निकला क्या, एक्चुअली मेरे को तो यही लगा कि वो पीछे से कनेक्टेड है भाई, नो डाउट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सच्ची वही लगा कि ये पीछे से कनेक्टेड है यार, बिकॉज मेरे को तो एक आंखों का नजर का चश्मा भी है, और वो जो नजर का चश्मा मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि मैं काला चश्मा पहनता हूँ, तो मेरे को तो सच में ही वही लगा भाई, ये क्रेजी मैन, क्रेजी ब्रो। लेट्स गो टू नियॉन सर्कल, आई होप ये भी अच्छा निकले, फटाफट चलते हैं नियॉन सर्कल में, और इसमें क्या है, मेरे को समझ तो आनी रहा है तो मेरे को पढ़ना ही पड़ जाएगा इसके इंस्ट्रक्शन। लुक एट द एरिया अराउंड द ब्लू लाइंस, डू यू सी अ ब्लू सर्कल? ऑल राइट, ब्लू लाइंस। Oh yes! अरे एक्चुअली सर्कल है, अगर तुम उस ब्लू ब्लू एरिया को देखोगे ना सिर्फ, तो तुम्हें फील आएगा कि वो एक सर्कल है वहाँ पे, देखो उसके बॉर्डर साइड, बस ब्लू ब्लू लाइंस को देखो। अरे हो रहा है, इसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन हो रहा है ये। नहीं ये सही में हो रहा है ब्रो, दिस इज गुड। Oh shit man, दिस इज गुड। हाँ ये सर्कल है, देखो अब तो तुम्हें और भी अच्छे से दिख रहा होगा। डैम भाई, मैंने नहीं सोचा था कि ये, यार दिस इज गुड, यार दिस इज सो गुड मैन। बट यार मैं सच बोलू, मैं तुम लोग को एंड में बताऊंगा मेरा फेवरेट कौन सा है, फिर तुम अपना फेवरेट इल्यूजन मेरे को कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है? चलो चलते हैं डॉट मैट्रिक्स पे। ओ बाप रे, ये क्या ट्रांसफॉर्मर आ गया मेरे सामने? ओ शिट ब्रो, ये क्या चीज है? रुको ये तो पढ़ना ही पड़ जाएगा मेरे को, क्या है ये? डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंगल दिस इज व्यूड फ्रॉम विल इफेक्ट व्हाट यू सी इन द मैट्रिक्स ऑफ ब्लॉक्स। ओके, मतलब मैं तो समझा भी नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? किसी भी एंगल से तो डिपेंड्स, बट इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। रुको मैं अंदर जाके देखता हूँ, इनसाइड द डॉट मैट्रिक्स। भाई ऐसा, इसने इंटरस्टेलर देखा है ना, ये एकदम वैसा नहीं लग रहा है कि एकदम बहुत सारे 5 dimension के अंदर हम चले गए हैं और पागलों की तरह बस अंदर ब्लॉक्स हैं। मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूं ब्रो, हर जगह बैरियर ब्लॉक्स लगे हैं यार, कम ऑन ब्रो। बट इसमें ऐसा है क्या खास? ये पूरा का पूरा तो भाई एक ही सिमेट्रिकल वे में है, ये देखो दो दो ब्लॉक का गैप है हर किसी के बीच में, बेकार क्या है? What the heck bro? एक सेकंड, कहाँ चला गया वो? अरे यार मैं भूल गया, मैं वापस कैसे जाऊंगा यार, वो कहाँ गया? अरे भाई वो बटन कहाँ है जिसको दबा के मैं रिटर्न होऊंगा कमांड ब्लॉक मेरे भाई? ओ वो रहा, मिल गया भाई, नहीं तो अभी मैं यहीं पे अटक जाता, पता है बैंड बज जाती मेरी पूरी। फटाफट लगाओ, और यार ये इसमें है क्या खास, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं अब समझा मेरे भाई, तुम लोग को पता है ये क्या है एक्चुअली? ये देखो तुम लोग ना बीच में बस वो स्क्वायर को देखो, ठीक है? स्क्वायर, वो जो चार स्क्वायर है ना, अब देखो तुम्हें बीच के वो स्क्वायर दिख रहे हैं, बट अगर मैं जाऊंगा इस कोने में तो वो चार स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो गए। ये देखो अब मैं मूव करूंगा ना तो मेरे साथ शिफ्ट होंगे, ध्यान से देखना। ये देखो
समझ आया? समझ आया? देखो अब वो ऐसा लग रहा है कि वो राइट साइड के कॉर्नर में आ गए हैं, ये देखो। और अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो अब्बू लगेगा कि वो लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आ गए हैं, ये देखो भाई ये मूव करते हैं मेरे साथ। और जब ये मूव नहीं कर रहे हैं, फिक्स्ड है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बिल्ड किया है कि ये लग रहा है। और अभी देखो अगर मैं मिड में जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये मिड में है। भाई भाई क्रेजी मैन, क्रेजी। अब समझाना मैं, ये अच्छा था भाई, दिस वन इज ऑल्सो गुड ब्रो। लेट्स गो टू अनदर वन। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कहाँ जाना है? वेयर? अबे ओ, ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। बेसमेंट है या क्या है? वेट, विच वे इज अप? अबे अबे तो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा ब्रो, जस्ट लाइक ओके। बट वेट, दूसरा एंगल वेंगल नहीं है क्या? अबे भाई तुमने तो भारी भेज दिया यार, कम ऑन ब्रो, वापस भेजो मेरे को वहां पे। विच एंगल इज अप? ऊपर यार। देखो अगर मैं होता तो मैं तो वही बोलता कि ऊपर वो है, और मैं तो सीधा, अरे सीधा खड़ा हूं तो ऊपर वाला वो होगा, आई एम 100% श्योर। बट अप कौन सा एंगल है? वेट, इसमें कोई और बटन नहीं दिए इन लोगों ने? क्या ही नल्ले लोग हैं भाई, मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन्हें तो कोई समझाए कि लाला जी तुम अभी इस फील्ड में नए आए हो। अरे मेरे को तो लग रहा था कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, बट ये तो इन लोगों ने छोटू सा स्ट्रक्चर बनाया भाई। अब ये इल्यूजनरी, इन्होंने मेरे को बहुत पागल बनाने की ट्राई करी। देखो स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसे ऐसे बनाया कि ऐसा लगे कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, बट नहीं यार, कम ऑन। ये दिस वन इज एल ब्रो, नो आई डोंट लाइक इट ब्रो। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन भाई, फटाफट बैक चलते हैं। ओके क्रेजी टाइल्स, देखते हैं ये इल्यूजन में ऐसा क्या है, क्या है खास इस इल्यूजन में। मेरे को तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है इसके अंदर ऐसा खास क्या है जो मैं इसको ऐसे निहारूं इतने अच्छे से। बट वेट ब्रो वेट, हम लोग पढ़ेंगे। योर आईज लव अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स। क्यों भाई, क्यों मुझे भेजना है 19 डायमेंशन? क्यों कह रहा हूं मैं यार, 19 सेंचुरी बोलना था मेरे को। ब्लैक एंड व्हाइट एरा में क्यों भेज रहे हो? क्या है इसमें, इसमें ऐसा क्या है ब्लैक एंड व्हाइट? भाई मेरे को नहीं आ रहा समझ, मेरे को तो सच में समझ नहीं आ रहा है। ये देखो ये वाला पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, तो इसमें इल्यूजन क्या है? क्योंकि मेरे को ऊपर से भी सेम ही दिख रहे हैं। नो आइडिया भाई, भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा, सिंपल सी बात है। अगर तुम लोग को समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अच्छे से समझा देना भाई। लेट्स गो, हमने आके सारे इल्यूजन देख लिया और अभी बचे हैं ये वाले 5 इल्यूजन। ये हैं आखिरी 5 इल्यूजन और मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है इनसे। लेट्स गो भाई, अच्छे होने चाहिए प्लीज यार। एपिक्स इल्यूजन, लेट्स गो फॉर इट। एपिक्स इल्यूजन, ये क्या है? What is this? क्या देखो इसमें मैं? Cover off, cover on, okay, return, okay. When the cover is on, both side appears not to meet up. हाँ? मतलब cover on, cover off. मतलब cover on. भाई कहना क्या चाहते हो? अरे भाई मेरे कहना क्या चाहते हो? एक सेकेंड, मे बी ये शायद ये चीज बोलना चाहता हो। ये देखो वो तुम लोग देख रहे हो वो एंगल ऐसा है और ये एंगल ऐसा है, और अगर तुम इस एंगल को ऐसे देखोगे तो ये मिलने नहीं वाले हैं ऊपर चल के, कोई भी नहीं लग रहा है कि ये सिमेट्रिकली वे में मिल पाएंगे ऊपर। बट अगर हम ऑफ करते हैं तो वो सिमेट्रिकल वे में मिल रहा है। मे बी दिस इज द इल्यूजन, मे बी। बट यार ये कोई इल्यूजन लायक चीज तो नहीं थी वैसे, सच बोलूं तो मेरे को ऐसा कुछ खास तो लगा नहीं भाई। देखो ये ये एक्चुअली इक्वल नहीं है, ये टेढ़ा ही है यार, ये बेवकूफ बना रहे हैं भाई। ये इसे तुम इल्यूजन कह रहे हो यार? भाई वो नहीं होता 10-10 रुपए में मेले में इल्यूजन दिखा देते हैं, ये तो वो 10 रुपए वाला मेले का इल्यूजन लगा है मेरे को भाई। उम्मीदें थी यार, कम ऑन। फॉल्स साइज, ओके, इसमें कुछ छोटा बड़ा दिखेगा क्या? क्या है ये? आर ऑल द ब्लॉक्स द सेम साइज? क्यों, हाँ लग तो रहे हैं सेम साइज ही लग रहे हैं मेरे को, क्यों माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स में क्या? अबे ओ शिट, ओ शिट, ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये ट्रिक कर दिया भाई, भाई ये एक्चुअली इसने मुझे ट्रिक कर दिया ब्रो। दिस इज द क्रेजीएस्ट ट्रिक एवर मैन, जो मैं अभी तक इसमें देखा हूं भाई, ये ट्रिक हो गया मैं यार। ओ शिट, ये बहुत अच्छा था ब्रो, इसके लिए तो भाई यहाँ पे गोल्डन कैरेट छोड़ के जाऊंगा भाई, खाओ पियो भाई, दिस इज क्रेजी ब्रो। लेट्स गो टू कप फेस, ओके ऑलराइट। इसके बाद लास्ट के दो रह गए हैं भाई। ये क्या है? ये कोई चेस का वो लग रहा है, जो चेस के अंदर वो नहीं होता है ऊंट चलने वाला, वो लग रहा है ये। बट इसमें क्या है? ये रिवर्स देखूं इसे मैं? अगर रिवर्स देखे तो ये कप लग रहा है एक्चुअली। बट इसमें देखते हैं क्या है, टू फेस और वन बिग कप। टू फेसेस और वन बिग कप, मतलब टू फेसेस और वन बिग कप, आई डोंट गेट इट मैन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर तुम लोग ध्यान से देखो ना, सिर्फ व्हाइट व्हाइट को देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दो मुंह एक दूसरे को देख रहे हैं। ओ माय गॉड ब्रो, आजा आजा बेटा, आजा आजा ब्रो, दिस इज एपिक, दिस इज एपिक मैन, ये माइनक्राफ्ट है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। सीरियसली माइनक्राफ्ट है ब्रो? नो, दिस इज क्रेजी मैन, ये माइनक्राफ्ट है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है आज। चले
एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। भाई मैं देखो वैसे तुम लोगों को बहुत ज्यादा कभी फोर्स नहीं करता हूँ, बट इस टाइप के इल्यूजंस के लिए तुम्हें लाइक मारना पड़ेगा भाई। ये क्या क्रेजी चीज है? कम ऑन मैन, कम ऑन ब्रो, ये बहुत अच्छा। मेरे को एक्चुअली पसंद आया यार, एक्चुअली पसंद आया, अप्रिशिएटेड यार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्टॉर्टेड स्क्वेयर, लेट्स गो। इसमें क्या होने वाला है? ये स्क्वेयर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो देखते ही समझ आ गया मेरे को। ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है इसमें वेव है, ये वेवी स्क्वायर है। तुम लोग ना बस उस रेड डॉट पे देखो और तुमको पता लगेगा कि भाई ये तो उठा हुआ है ना, पहाड़ है ना ये तो, एक टाइप से ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे लिखा हुआ कि रेड डॉट पे फोकस करना है हमें। अरेंजिंग स्मॉलर स्क्वायर इज द लार्ज स्क्वायर मेक्स इट वेवी। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई। देखो भाई अगर हम अंदर जाके देखेंगे ना, मैं तुम लोग को एक बार ना अंदर लेके चलता हूँ, तो ये प्लेन होगा 110% ये प्लेन होगा। ये देखो ब्रो, दिस इज प्लेन। क्या है यहाँ पे उठा हुआ? कुछ है यहाँ पे उठा हुआ? दिस इज अ प्रॉपर प्लेन एरिया भाई। ये तो तुम लोगों ने एक्चुअली माइनक्राफ्ट में इल्यूजन भाई भर दिया है। मैं बस क्या बोलूं, मैं बस इधर ट्रिक हो गया हूं। आई लाइक इट ब्रो, आई सीरियसली लाइक इट मैन। लेट्स गो बॉयज, दिस इज द लास्ट इल्यूजन 3D हाई। ओके लेट्स गो फॉर इट। ओ माय गॉड, ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है 3D में हाई लिखा है। ओ शेड, ये मैं पक्का पास जाके देखने वाला हूँ। लिखा कैसे? अ लाइट टू डार्क ग्रेडियंट मेक इट अपीयर 3D। ओके द ब्लॉक्स अबव हेल्प विद शेडिंग अक्रॉस द ग्रेडियंट। हाँ मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया। ये देखो, जबकि ये अंदर नहीं है, ये देखो ये तो नॉर्मल ब्लॉक्स हैं। इन लोगों ने इसको ऐसे अरेंज किया कि 3D लग रहा है सही में। ये देखो भाई क्रेजी भाई। अबे ये क्या है? ऊपर एक और लेयर है हाई की, आई थिंक ये इन लोगों का वो होगा। ये फिर एक सेकंड, ऊपर से भी देख सकते हैं क्या? नहीं एक सेकंड, रेंडर डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूं तो अपना वेट, नहीं फिर ये इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। नहीं 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 भाई भाई भाई, क्यों ही मैं अपने पीसी को मारूं, वापस 12 हो जा मेरे भाई। लेट्स गो ब्रो, ये आखिरी इल्यूजन था और सीरियसली अच्छा था यार। ओके इसके अंदर लिखा है यहाँ पे बोनस इल्यूजन है हमारे पास। ओके मैं तो ठीक है भाई, बोनस है तो दिखा दो। ऐसा क्या है? दिस इज अ बोनस इल्यूजन, क्या है इसमें ऐसा? ये तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो नहीं होते थे पावर रेंजर्स, ये डायनो थंडर पावर रेंजर्स में वो पावर रेंजर्स स्क्रैच मारते थे। नहीं यार मैं अभी तुम लोग को क्या ही बोल रहा हूं, बट ओके दिस इल्यूजन कम्स फ्रॉम बिग रीज वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। द ग्रीन स्टेयर्स अपीयर्स टू डिसअपीयर इनटू द ब्रिक स्टेयर्स। मतलब ग्रीन स्टेयर तो कहीं भी नहीं है मेरे भाई, ग्रीन ही लिखा है ना। द ग्रीन स्टेयर्स अपीयर्स टू डिसअपीयर इनटू द ब्रिक स्टेयर्स। अबे वो ग्रीन है, बट एक सेकंड, कहना क्या चाहते हो? बट एक सेकंड, हां कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? इसमें एक एयो, ओ ये इतने दूर, ओ ओ ओके ओके ओके, ओ भाई ये इसने बनाया कैसे है? भाई मैं तुम लोग को ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है भाई। मेरे को लगा था छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, बट नो ब्रो ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर था। डैम, और ये एक्चुअली एक छोटा छोटी स्टेयर्स लग रही थी मेरे को, बट ये तो बड़ी है काफी। ऑल राइट, बट अभी भी मैं इसका एकदम अच्छा जो मतलब है वो तो समझ नहीं पाया हूँ। इस इल्यूजन का एकदम खास और अच्छा मतलब क्या था ऐसे दिखाने का, बट इट्स ओके, बोनस था तो फ्री में जो मिले ले लो भाई, मैं तो यही कहूंगा तुम लोगों को। तो ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अगर तुम लोग को एक्चुअली इल्यूजन पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोगों ने सारे इल्यूजन अभी देख लिया, होपफुली तुम लोग को पसंद आए हो, क्योंकि मैं भी ट्रिक हो गया था और वो एक्चुअली बढ़िया थे। सो गाइस अभी तो मैं चलता हूं, तुम लोग भी चलो मस्त मजे करो भाई। जिसका टेस्ट है ऑल द बेस्ट, जिसके एग्जाम है ऑल द बेस्ट, जो वेकेशन पे है मजे करो भाई मेरी तरफ से। एक ही जिंदगी है, जियो फुल के फुल, मजे ही मजे भाई। चलो मैं चलता हूं भाई, ठीक है मेरी गन ये रही और अभी मैं निकलता हूं। 1 2 3 बूम। तुमको क्या लगा सही में इसमें गोली है? डाली नहीं थी मैंने, क्योंकि मैं इधर थोड़ी ऐसे YouTube बढ़ा देगा मेरी वीडियो भाई। ठीक है ओके ओके, बाय 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 बाय।